हेलो दोस्तों, ललिता शुला चौका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डाइट वाला थाली पीठ। तो इसके लिए मैंने एक रतालू लिया है जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो इसे मैंने छील लिया है और इसे कद्दूकस कर लूँगी। और ये है साड़ी के लाया, जिसे हम लक्ष्मी पूजन पे इसकी पूजा करते हैं, वही साड़ी के लाया है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्सी जार में दरदरा पीस लूँगी। ये मैंने दिखाने के लिए आपको रखा है। ये देखिए, इस तरह से ये साड़ी के लाया होते हैं और इसमें ये हल्का थोड़ा चावल का इस तरह से छिलका होता है, इसे निकालना पड़ता है। हमने कटोरे में ये साड़ी के लायन को दरदरा मिक्सी जार में पीस लिया है। बहुत ही हेल्दी ऐसा थाली पीठ है ये। अभी इसमें मैंने ये चुरमुरे है इसे डाला है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक कटोरी चुरमुरे लिए हैं और एक कटोरी साड़ी के लाया का मिक्सचर लिया है। इसमें मैंने एक चम्मच चावल का आटा डाला है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, और बीट को भी कद्दूकस कर लिया है। ये रतालू है, इसे भी कद्दूकस कर लिया है। इसमें आप जो चाहे वो गाजर डाल सकते हैं या बीन्स डाल सकते हैं, आपको जो चाहिए वो इसमें आप डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने आधी कटोरी स्प्राउटेड मूंग लिया है, इसे भी मैंने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है। और इसमें अभी हम डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो पहले हम बिना पानी का इसे इसका मिक्सचर बनाएंगे और फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। इसे बिना पानी का मिक्स करने के बाद में ये इस तरह से बन गया है। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी डाला है, मिर्च पाउडर डाला है, हींग डालेंगे, ज़ीरा पाउडर, ये भुने ज़ीरे का पाउडर है, इसे डालेंगे। और इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और अभी इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हम हरा धनिया डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। ये 2 टेबलस्पून भुनी मूंगफली का चूरा है, इसे डालेंगे। और यहाँ मैंने ऐड किया है कुट्टू का आटा। आप इसमें जो भी आपके पास है वो आटा यूज़ कर सकते हैं, गेहूं का भी डाल सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ इसमें 1/4 कटोरी कुट्टू का आटा डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आटा बन नहीं रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और इसका आटा लगा के हम इसे थापेंगे, इसे इवनली स्प्रेड करें इस प्लास्टिक की शीट पे। आपको जैसा पतला मोटा चाहिए उस हिसाब से। पैन में हमने घी लगा लिया है और अभी इसमें हम ये जो थाली पीठ बनाया है इसे डालेंगे। धीमी आंच पे हमें इसे थोड़ा सा घी लगा के सेकना है। आप चाहे तो इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, जैसे शाम में खाने के लिए कुछ छोटा मोटा चाहिए तब आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। ढक्कन ढक के हम इसे 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। एक साइड ऊपर की अच्छे से सूख जाने के बाद में हम इसे पलटी करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टूट रहा है तो आप इसमें कुट्टू का आटा या बेसन या गेहूं का आटा इसमें मिक्स कर दें, तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ी बाइंडिंग आएगी। क्योंकि जो भी हमने इसमें डाला है वो सब चावल के पदार्थ है, जैसे हमने चुरमुरे डाले हैं, साड़ी के लाया डाले हैं, चावल का आटा भी डाला है, तो इसमें बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं और दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लेंगे। और ये बन गया हमारा थाली पीठ।
खाने में बहुत ही करारा और टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइए और इसे कोई भी चटनी सॉस के साथ सर्व कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।